आपण पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल। नमस्कार, मैं बरोदराज पुरोहित, आप देख रहे हैं भारतीय जनमत न्यूज। आइए जानते हैं मुख्य समाचार। जहानाबाद से एक बड़ी खबर आई है, जहां सोमवार सुबह एक भगदड़ में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हो गए। जिला मैजिस्ट्रेट आलंकृत पांडे ने बताया, भगदड़ बाबा सिद्धनाथ मंदिर मखदुमपुर में हुई, 7 लोगों की मौत और 9 लोग घायल हुए हैं। हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और अब स्थिति नियंत्रण में है। उप जिलाधिकारी विकास कुमार ने कहा, ये एक दुखद घटना है, सभी इंतजाम ठीक थे, हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं और इसके बाद और जानकारी देंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया, जिससे भगदड़ हुई। घटना मुखदुमपुर ब्लॉक के वनावर हिल पर घटी। घायल भक्तों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। सावन महीने की चौथी सोमवार की वजह से मंदिर में भारी भीड़ थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि फूल विक्रेता और भीड़ के बीच झगड़े के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, जिससे भगदड़ हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस की तैनाती मंदिर के प्रवेश द्वार पर थी, लेकिन अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी। मामला क्या, सब लाइन में भीड़, काफी भीड़ थी, लाइन में लगे हुए थे। तो एक फूल वाला जो सबसे ऊपर है ना, वो फूल वाला से बम का कोई बात लेके झगड़ा हो गया कि हमारे दुकान के तरफ की झुक रहे हो, तो ये भी लोकल आदमी होगा, वो भी कड़क गया, तो दोनों में डंटा चलने लगा, तो सब पीछे भगदड़ हो गया था। आदमी पर आदमी गिरने लगे, काफी भीड़ था, आदमी पर कितना लोग चपके मर गए, कितना लोग घायल हो गए। फूल सबसे ऊपर जो फूल माली है ना, वही ऐसे किया था, वही डंटा चलाया था, उसी के वजह से सारा ये सब हुआ। या प्रशासन कोई के वहाँ टाइट नहीं, रास्ता में टाइट था, लेकिन वहाँ पर प्रशासन टाइट नहीं था, एक भी प्रशासन है, प्रशासन के भी कमी है। 3 सोमवारी जो रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज्यादातर, 3 सोमवारी के बाद ये चौथी सोमवारी थी, जैसी सतर्कता है हम लोग उससे ज्यादा सतर्क थे। दर्शियों का कहना है कि एनसीसी और स्कॉट गाइड के हवाले सुरक्षा व्यवस्था थी और उन लोगों ने लाठी चार्ज किया। इसके बाद ये आपका व्यू हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जैसे फोर्स और सिविल मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेपुटेशन होती है, सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। ये दुखद घटना है, इस पर हम लोग जो इसका जो अभी आगे का जो प्रक्रिया है वो पहले हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद आधिकारिक रॉक पे आपसे बात। आधिकारिक रॉक में अपन पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल।